रेड हेयर कलर कराने वाली हूँ। लास्ट टाइम की तरह लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जो यहाँ मुझ पे हंस रही थी उसके बालों का कलर भी अब बिल्कुल, तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है सच में ऐसे बालों को देखकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, आज मेरा शूट है इसके लिए मैं ही रेडी हूँ। और आज मैंने कुछ सोचा है, बहुत ही अच्छा सोचा है, तो मैं आपको अपना प्लान बता देती हूँ क्योंकि अभी तो कोई नहीं सुन रहा। आज मैं थोड़ी सी चालाकी करने वाली हूँ। चालाकी ऐसे करूंगी कि मैं जा रही हूँ वैसे तो अभी बाहर, और मुझे आज मिलेगा क्रेडिट कार्ड और उससे जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। तो मैंने सोचा कि आज जब मुझे क्रेडिट कार्ड मिल ही रहा है तो क्यों ना मैं अपने वो काम करूँ जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी। उनमें से एक काम ये है कि मुझे अपना हेयर कलर कराना है, क्योंकि यार पता है क्या हुआ, मेरे ना यहाँ तक आ गया कलर और ये कलर बहुत फेड होता जा रहा है और अब अच्छा नहीं लग रहा। मैंने घर में बोला था कि मुझे करवाना है कलर, लेकिन घर में सब कह रहे हैं कि अभी मत करवाओ, अभी तो करवाया था लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि देखो ब्लैक हो गए हैं पूरे। मजा आएगा जब मैं करवा के आऊंगी घर पे, क्योंकि किसी को पता नहीं रहेगा तो बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने कलर के लिए भी और क्रेडिट कार्ड के लिए भी, और भी बहुत कुछ है इस ब्लॉग में, तो आप लोग देखते रहो अभी से। तो समलीन अभी बैठी है कलर कराने के लिए, देखते हैं इसका कैसा कलर होने वाला है। आज ये अपना पूरा कलर जो हेयर कलर व्हाइट करवाने वाली है, रेड हेयर कलर कराने वाली हूँ। तब देखेंगे कौन सा कलर चूज करते हैं हम लोग, फिर बताते हैं। तो अभी मैं चूज कर रही हूँ अपना हेयर कलर कि मैं कौन सा कलर करवाऊँ, क्योंकि यार हमेशा मुझे टाइम लग जाता है कि ये करवाऊँ या वो करवाऊँ। और वैसे भी ये हेयर कलर है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी चूज कर लूंगी। ये ज्यादा लाइट हो जाएगा, नहीं वो ठीक लग रहा है। मुझे तो सारा कलर अच्छा लगता है, तेरी तो अब अभी मेरा हेयर कलर स्टार्ट होने वाला है और मैं फिर से बहुत नर्वस हूँ। अब क्या होने वाला है देखते हैं। और इस बार ब्लू कलर का हेयर होने वाला है। हाँ, मैं रेड करवा रही हूँ ऊपर का और नीचे का ब्लू। अभी तो देखते रहो ब्लॉग। तो अभी होने वाला मेरा हेयर वॉश और अब उसके बाद देखते हैं मेरा कलर कैसा होने वाला है। और मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लिया है और यहाँ पे हो रहा मेरा हेयर वॉश। और जब हेयर वॉश होता है तो पता नहीं नींद क्यों आती है। तभी सबसे पहले हो रही है प्री लाइटनिंग, क्योंकि जो मेरा कलर था वो पहले निकाल रहे हैं, उसके ऊपर फिर जो मैं दूसरा कलर करवाऊंगी वो होगा। मैं कलर तो करवाना चाहती हूँ लेकिन इतनी देर तक बैठा ही नहीं जाता मुझसे और बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ मैं। और एक तो मुझे नींद भी आने लगती है, कोई बिठा कर रखता है और इतने सारे काम चलते रहते हैं सर पे, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कोई इधर से खींचता है कोई उधर से खींचता है। तो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आप लोग ये देख लो कि मैं स्टोरीज कहाँ से पढ़ती हूँ। क्या कर रही हो यार? मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे रीडिंग कितनी पसंद है बचपन से ही। फोन में कौन सी रीडिंग कर रही हो? अरे यार, मैं प्रतिलिपि ऐप से ना अपनी मन पसंद स्टोरीज और बुक्स पढ़ लेती हूँ। प्रतिलिपि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रीडर्स और राइटर्स के लिए। इसमें 6 लाख से ज्यादा राइटर्स हैं और हम इसमें किसी भी लैंग्वेज में स्टोरी पढ़ सकते हैं। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगला, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिनमें हम पढ़ सकते हैं। और इसमें पोएम्स, एसे, नॉवेल्स सब कुछ अवेलेबल है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो तुम अभी कौन सी स्टोरी पढ़ रही? मैं तो अभी हॉरर स्टोरी पढ़ रही थी। और तुम्हें पता है इसमें हम अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई आपकी अपनी स्टोरी हो तो आप इस ऐप में लिख सकते हैं। और प्रतिलिपि ऐप में 2 करोड़ से भी ज्यादा रीडर्स हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी राइटर के लिए। तो आप सब भी डाउनलोड करो प्रतिलिपि ऐप अमेजिंग स्टोरीज पढ़ने के लिए और अपनी स्टोरीज लिखने के लिए भी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी ले जाओ और प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करो। चलो अब मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर लेती हूँ। मैं तो बहुत थक गई थी ये सोच सोच करके और कितना टाइम लगेगा। करवाने तो आ गई लेकिन टाइम इतना लगता है कि मुझे जाना था वहाँ से। तो अभी देखते हैं अब क्या होगा बालों में मेरे। और आज भी लास्ट टाइम की तरह लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैं भी बिल्कुल अजीब लग रही हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे तो। मैंने अच्छा किया जो मैं हेयर कलर कराने आ गई, लेकिन अब अच्छे से हो जाए देखते हैं। और अब मेरे बालों का कलर कुछ अजीब ही लग रहा है और मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि मुझे भी लग रहा था कि मैं आप लोगों को ये वीडियो ना दिखाऊं, लेकिन फिर बाद में तो ठीक हो गया। अभी तो मुझे इतना अजीब लग रहा था ये कलर, कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया। और ये तो प्री लाइटनिंग के बाद का है, मैं तो इस टाइम पे खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये है कौन। तो
और फाइनली इतने सारे कामों के बाद स्टार्ट हुआ है मेरा हेयर कलर, क्योंकि हेयर कलर करने से पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं जो होने थे और अब हो रहा है हेयर कलर, देखते हैं क्या होता है। और जो यहाँ मुझ पे हंस रही थी उसके बालों का कलर भी अब बिल्कुल मेरे बालों की तरह हो गया क्योंकि प्री लाइटनिंग हुई है, और मुझे तो खुद हंसी आ रही थी इस टाइम पे देखकर ये कैसा कलर हो गया क्योंकि ये बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। तो अभी फाइनली उन्हीं के साथ हो रहा है मेरा लास्ट हेयर वॉश, और अब आधे काम तो हो गए हैं, बस लास्ट में अब स्टाइलिंग बची है वो भी देख लो। तो अभी मेरा जो पहले का कलर था उसको रिमूव कर दिया गया है, तो अभी ऐसा कलर आया है। अब देखते हैं कि फाइनल लुक क्या होता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसे बाल ना हो जाए। अब मैं देख रही हूँ खुद को कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं अब, लेकिन मुझे कुछ खास तो उस वक्त दिख नहीं रहे थे कि कुछ चेंज आया है, लेकिन हाँ चेंज आया है वो अब मैं कह सकती हूँ कि चेंज है क्योंकि पहले से थोड़ा लाइट है। तो अभी ये लोग ड्राई कर रहे हैं मेरे हेयर। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रोसेस है हेयर कलर लगाने का, इसमें पता नहीं इतना पेन होता है क्योंकि मेरे जो हेयर है वो पूरे टैंगल्ड होते हैं हेयर वॉश होने के बाद, तो बहुत दर्द होता है जब उसको कॉम्ब किया जाता है। तो अभी मैं खुश हूँ कि अभी इसके बाद से कोई भी मेरे बालों को खींचेगा नहीं, क्योंकि कलर करने टाइम इन लोगों ने बहुत खींचा और मुझे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा होता है दोनों तरफ से काम करेंगे तभी तो होगा ना। इंस्टाग्राम स्टोरीज लेनी तो बनती है ना, और अगर आप लोगों को स्टोरीज और पोस्ट देखने मेरे इंस्टा के तो आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो करना होगा samrinali142। तो जल्दी ले जाओ और मुझे फॉलो करो। तो ये जो हेयर स्टाइलिस्ट है इन्होंने फिर से एक बार मेरे कर्ल्स किए जो लास्ट टाइम किया था, आयरनिंग कर्ल्स वही किए और वो मुझे पसंद भी है, और इन्होंने भी बोला कि अच्छा लगेगा स्टाइलिंग करके। और यहाँ पे तो मैं इतने आराम से बैठी हूँ लेकिन मुझे अंदर से इतना धक धक हो रहा है क्योंकि मेरा हेयर कलर आप देख सकते हैं कैसा आया है निकल कर, और मैं बस यही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा। तो अभी मेरा कलर तो हो गया है, लग रहा है कि सेम ही है जो पहले था शायद, लेकिन मैंने तो उससे लाइट करवाया है तो आप लोगों को ही दिख रहा होगा वो तो ज़्यादा, तो भी ठीक ठीक लग रहा है मुझे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है पूरा लुक मेरा। अच्छा हुआ यार मैंने हेयर कलर करवा लिया क्योंकि वो पता है ब्लैक हो रहा था पूरा यहाँ से, तो मुझे करवाना ही था। और अभी मेजर नापी का तो हो ही रहा है कलर, तो वो अभी तक करवा ही रही है, उन्होंने पूरा लुक चेंज किया है। मेरा तो आपको फिर भी ऐसा पता है कि मैं ऐसी मैंने करवाया था ऐसा पहले, उनका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वो आप देखोगे तो पता चलेगा आपको। लग रही हूँ अभी तो ये चेंज होगा, मैं नेक्स्ट डे आऊंगी, इसको थोड़ा सा डार्क करवाना है। तो मैंने बोला था ना कि बिल्कुल चेंज आएगा, तो चेंज है, और मेरा देखो मेरा वैसा ही है। मुझे अच्छा लग रहा है, देखो ना एक घर में किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही लाइट है ऊपर का, नीचे का मुझे अच्छा लग रहा है कलर। मैं इस बार भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ सच में इस बार भी मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा कलर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और सेम ही लग रहा है। पता क्या हो गया, मेरा लाइट हो गया और समरीन का डार्क हो गया है ना। ये हुआ कैसे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा यार, ये कैसे हो गया। देख रहे हो डिफरेंस मेरे बालों और उसके बालों में, घर में तो सब पागल ही हो जाएंगे, डांट पड़ेगी मुझे क्या करवा रही है। मेरी मम्मी तो है ना वीडियो कॉल में देखने के बाद बोल रही मुझे बुड्ढी हो गई। देखो मुझे नीचे से बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऊपर से मुझे नीचे से मुझे ऐसा चाहिए था। चलो तो मैं ना बस दो तीन दिनों बाद आऊंगी फिर से, और फिर यहाँ का डार्क करवाऊंगी थोड़ा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा ऊपर से। आपने मेरी वीडियो में तो देख ही लिया होगा, पहले वीडियो में, तो इसी में मैं यहाँ पे दिखा दूँगा।
और अब मुझे मेरे बाल को ठीक करवाने के लिए कल सुबह आना है। और इसने इतने पैसे खर्च किए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लो जाकर। पैसे खर्च करते करते टाइम निकल गया और देखो टाइम कितना हो रहा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। और मेरे बाल 11:19 हो रहा है, जल्दी से घर चलो। मुझे रोना आ रहा है मेरे बालों को देखकर। हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कल सुबह आऊंगी फिर करवाऊंगी और फिर देखना। इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि ठीक होने के बाद कैसे लग रहे बाल। इंसान लगूंगी फिर। मैंने रील्स देखी अभी अपनी, ऐसी वाहियात लग रही थी मैं अभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और रात को आने के बाद मैंने वीडियो एडिट की और वो वीडियो आज रात को आने के बाद मैंने वीडियो एडिट की उसके बाद वो वीडियो आज आ जाएगी। और रात को आने के बाद मैं बहुत ज्यादा, तो क्या कर सकते यार, कलर ही ऐसा हो गया तो फिर रोना तो आएगा ही। मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं बहुत बहुत रोती, क्योंकि यार ये बात ही ऐसी है, बाल एक ऐसी चीज है कि अब आपका मतलब पूरा लुक इसी से आता है, तो रोना तो आता ही। मैं तो वहीं से रोते रोते घर आती। कोई बात नहीं है, हम उसको सही कराएंगे और आप व्लॉग देखते रहो, फिर आपको ये भी पता चलेगा कि सही होने के बाद बाल कैसे लग रहे हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और वीडियो भी एडिट हो गई, उसके बाद अभी आज तक ही आपको वीडियो देखने को मिल भी गई होगी क्रेडिट कार्ड वाली। जिसने जिसने देखी है वो मुझे कमेंट करके बताना किस किसने देखी, और अगर नहीं देखी तो जाकर देख लेना, लेकिन पहले व्लॉग देख लो। तो चलो फिर मैं आपको बाहर मिलती हूँ। मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह से ही उठी हुई थी, बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं वहां से आने के बाद सो जाऊंगी और उसके बाद फिर मेरा शूट है। तो बस मिलती हूँ मैं आपको बाहर। तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है सच में ऐसे बालों को देखकर। तो अभी मेरा हेयर कलर चेंज हो जाएगा, देखते कैसा होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने क्या करवा लिया। आप लोग बताओ ये वाला हेयर कलर कैसा लग रहा है मेरे पे। फाइनल हेयर कलर हो गया है और अभी देखना ये है कि वॉश होने के बाद कैसा आता है कलर। मैं तो यार बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पर बैठे बैठे, क्या करूँ मैं यहाँ पर बैठकर। चलो बस ये जल्दी से हो जाए फिर चलते हैं घर। और कहाँ जाए, घर ही चलेंगे। मुझे बहुत भूख भी लग रही है अभी। मैं तो यहाँ पर तब से रील्स बना रही थी और ऐसी बैठी हुई थी, नींद भी आ रही है बहुत ज्यादा, की सोई नहीं थी। कैसा लग रहा है ये वाला हेयर कलर करा के अभी मुझे नहीं पता। अभी जब मैंने इससे पहले करवाया था तब भी मुझे लग रहा था सही है, लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ कि अभी वाला सही लग रहा है। मुझे पता है ना, मैं देख रही हूँ मुझे पता, जैसे मैं तो बीती। तो हुआ क्या था तुम्हारे साथ कल हादसा? जब ये कलर करवा कर आई तो मैं इसके ऊपर हंस रही थी, क्या कैसा कलर करवा लिया ये, खूब हंस रही थी मैं। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा। मेरा आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ है, जो मैंने पहले कराया था फर्स्ट टाइम उससे एक शेड लाइट है, नहीं एक दो शेड लाइट है। तो ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, चलेगा मेरा। फिर करा लूंगी चेंज जब नहीं पसंद आएगा ना, फिर करा लूंगी चेंज जब मुझे लगेगा कि हो गया बहुत टाइम इसको। मुझे कहीं भी सुबह सुबह जाना अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह तैयार हो उठना बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन क्या करे, सारे काम जो होते हैं वो सुबह के ही होते हैं। चलिए ये हो जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप लोग भी सोचते होंगे ऑल टाइम भूखी रहती हूँ, भूख लग रही है। क्योंकि अभी मैंने सुबह जब मैं एडिटिंग कर रही थी 8 बजे ही खाया था, और अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मुझे मेरा कलर ठीक लग रहा है, अब तो सब कुछ सही हो गया। मैं एक बहुत ही बड़ी चीज से निकली हूँ। तो आ गए हैं हम लोग घर की तरफ अपने और जा रहे हैं घर अभी। और अब फाइनली मैं एलियन से इंसान बन चुकी हूँ। एलियन से इंसान बनने का सफर आपको इसी व्लॉग में दिखेगा। दिख गया यार, देख लिया, खत्म हो गया। ठीक है, तो सही है यार, मजा आया। लेकिन जो भी हो, मजा आया। हाँ मुझे तो आया, क्योंकि तुम मेरे ऊपर हंस रही थी। कोई किसी के ऊपर हंसता तो उसके साथ वैसा ही हो जाता है। यार सच में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। मैं इस पे इतना हंसी थी जब इसने कलर करवाया था, इसका भी गलत हो गया था। नहीं वो गलत नहीं हुआ था, वो तो बस वो मेरा ब्लैक कलर जो था ना उसको निकाला गया था, तो तुम उस पे हंस रही थी। मैं इस पे खूब हंस रही थी, ये क्या हो गया, कैसी लग रही है, ऐसी वैसी। बाद में फिर फाइनल कलर ही मेरा वैसा हो गया। अल्लाह, चलो मेरे घर वालों का रिएक्शन इतना बुरा, और जो मेरे रिलेटिव है, मेरी कजन का, वो तो बोलती थी है ना वापस जा सलून में, वापस जाकर करा। और पता है अगर आप लोगों को मेरा अगर ऐसा हो जाता ना, तो मैं आप लोगों से कभी आपको नजरें तो मिलाती नहीं ना, मैं वीडियो बनाती ना, कुछ करती बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख सकती थी। वैसे रोती रहती उस टाइम से। आप लोग बताना कि आपको कलर कैसा लगा हमारा। हाँ ये तो बताना जरूर। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बोलो कि कमबीन का तो बेकार लग रहा है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, लेकिन सबको पसंद आया था, लेकिन अभी इस बार का मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा आप लोगों को।
को। तो यहीं पर खत्म होता है व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए समीरनली व्लॉग्स। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।